यो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिगर्ड गेमिंग। सो गाइज, आज जो है आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। एंड सॉरी क्योंकि आज मेरा फेस कैम नहीं आ पाया, कैमरा वगैरह का सेटअप था लेकिन फिर भी नहीं था, मैं नहीं ला पाया, बस नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लेते हैं अपना डाटा एंड अब हम फटाफट चलते हैं अपने नेदर पोर्टल में, बिकॉज बहुत ज़्यादा काम है मैं नेदर पोर्टल में। आज हम लोगों ने बनाना है अपने लिए एक थ्रोन, वो भी फुली डायमंड का। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास डायमंड फिर आ गया, बस ये मेरा नेदर पोर्टल ना तोड़ दे, बस मेरे नेदर पोर्टल पे मारेगा, मेरा नेदर ना टूट जाए कहीं। सो गाइज, मैं जो है ना, मतलब कि आज हम मैंने जो है अनलिमिटेड डायमंड फार्म एंड अनलिमिटेड आयरन फार्म बना लिया है। वो मैं फिर गोल्ड का कुछ नहीं पहन के आज, फिर ये मुझे मार देंगे। अरे यार, सो गाइज, मैं जो है आज कुछ भी गोल्ड का नहीं पहन के गया था, इसीलिए मैं सो गाइज पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि आज फेस कैम नहीं आ पाया, फुल सेटअप था कैमरा वगैरह का बट नहीं आ पाया। नेदर टूट गया। सो गाइज, मेरा नेदर जो है टूट चुका है एंड मैं आपको ना तभी मिलता हूँ जब मेरी पूरी तैयारियाँ हो जाएंगी, नहीं तो बहुत टाइम लगने वाला है। सो गाइज, अपनी जो है पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, मैं अपनी लूटिंग और शार्पनेस वाली स्वॉर्ड भी लेके आया हूँ एंड मेंडिंग वाली जो है अपनी ये पिकैक्स भी लेके आया हूँ। तो गाइज चलो फटाफट चल लेते हैं अपने घर पे। तो चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अनलिमिटेड डायमंड और अनलिमिटेड आयरन फार्म दोनों बनाए हुए हैं एंड मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं फेस कैम का मेरा पूरा सेटअप हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़े से नेदर रैक्स तोड़ लेते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा नेदर रैक्स है वैसे तो मेरे पास, लेकिन चलो छोड़ो। सो गाइज, अब जो है ना ये देखो, लूटिंग वाली स्वॉर्ड पे ये होता है कि जब मैं इसे मारूंगा ना, ये अपना क्रॉसबो ड्रॉ नहीं करा। फटाफट पहले ना ये गोल्ड तोड़ लेते हैं। ओ, ये क्या हुआ? सो गाइज, हम जो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं एंड अब हम तोड़ ही नहीं पा रहे कुछ ऊपर से। तो नेदर रैक लगा के ऊपर जाता हूँ, है ना, ऊपर से और ले लूँगा यही लगा के ऊपर जाता हूँ ऐसी की तैसी। तो फटाफट यही लगा के ऊपर चल लेता हूँ। सो एंड गाइज, मैंने जो है मेरा जो है वो मतलब बेडरॉक एडिशन है, तो इसीलिए मेरे में जो है अनलिमिटेड डायमंड फार्म बन गया है। अगर आपकी भी बेडरॉक एडिशन है तो आपकी ऊपर से तोड़ना पड़ेगा, तो आपका भी ये डायमंड फार्म बन जाएगा। इधर थोड़ा सा ये क्या हुआ? तो पहले तो ना सारा गोल्ड तोड़ लेता हूँ, मुझे देख के याद आ गया। एंड यार, आज मैं फिर वो नहीं लाया, नीचे तो नहीं गिरा ना। सो गाइज, आज मैं फिर सिल्क टच वाली पिकैक्स नहीं लाया हूँ क्योंकि मेरे को वैसे तो गोल्ड का कोई काम है नहीं। तो गाइज, अगर आपकी, मैं क्या कह रहा था, अगर आपकी बेडरॉक एडिशन है ना, पहले इसे तोड़ता हूँ, देन यहाँ पर एक नेदर रैक। बैठ जा, यहाँ पर नेदर रैक एंड यहाँ पर नेदर रैक। अब ऊपर चलते हैं गाइज। एंड गाइज, आज जो है ना मैं अपनी सिल्क टच वाली पिकैक्स नहीं लाया हूँ अपनी, जो मेरी घर पर पड़ी है, नहीं तो ये क्वार्ट्ज वगैरह सब सजाने के काम आते। तो फटाफट चल लेते हैं बिकॉज अब क्वार्ट्ज नहीं बचा है। तो ये क्या है भैया? सो फटाफट पहले ना ऊपर चलता हूँ। ये क्या है? ये क्या घेरेगा? सैडल है इसके ऊपर। सो गाइज, मेरी इसके ऊपर शार्पनेस 5 लगी हुई है, ये मैंने अभी देखी और इसने स्ट्रिंग्स ड्रॉप करी है। वाओ, सो गाइज, इसने जो है ना स्ट्रिंग्स ड्रॉप करी है एंड मेरी स्वॉर्ड पे लूटिंग 3 और शार्पनेस 5 लगी हुई है। और भैया पीछे हो जाओ थोड़ा सा, तुम्हें मारूंगा तो तुम पीछे पड़ जाओगे हमारे। सो गाइज, ये जो है ना नगेट मिलते हैं ऐसे के बहुत, इसे मायने दोनों को मारते हैं पहले। मेरा जो है ना गाइज, मेरा जो निशाना है ना वो बहुत ही घटिया है, तो इसलिए प्लीज़ इग्नोर करना मेरे निशाने को। मैं जो है रैंडमली मार रहा हूँ, वैसे मैं मतलब तय करके नहीं मार रहा हूँ कि मुझे यही मारना है, तो मैं सिर्फ रैंडमली एरो पे एरो चलाई जा रहा हूँ। और ये गया। अरे यार, आग लग गई। चल कोई बात नहीं। सो गाइज,
तोड़ रहा है ये, पहले ये नहीं है तू खा ले, तोड़ रहा है ये। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे जो मेरी मेंडिंग है ना ये इसी काम आती है, जैसे ही मैं कोई एक्सपी वाली चीज़ तोड़ता हूँ ना या मैं पिकैक्स से किसी को भी मारता हूँ तो फिर ये पिकैक्स दोबारा रिपेयर हो जाती है, तो नोटिस करना क्योंकि 2 मिनट रुको। तो या गाइस मैं आ चुका हूँ दोबारा छोटे से ब्रेक के बाद, तो आपको जो है कट नहीं लग रहा होगा बिकॉज मैंने सो सीधा पॉज ही कर दी थी, तो सिर्फ मेरा वॉइस का कट था तो इसलिए। तो एक क्वार्ट्ज़ जोर थोड़ा सा मिल गया और थोड़ा सा तोड़ लेते हैं हम। एंड गाइस काश इसके नीचे वो गोल्ड की तरह ना हो कि हम नीचे जाके गिर जाएं, वो तो शुक्र है कि मेरी बेड रॉक एडिशन है तो मैं नहीं मरा था, मतलब जल्दी ना खाना कम होता है बेड रॉक एडिशन में और ना ही अपना हेल्थ कम होती है। तो ये वाला पीछे का मुझे था, पीछे की तोड़ना है, पीछे का तोड़ता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लेता हूँ एंड देन पीछे का तोड़ता हूँ, तो एक और तोड़ना पड़ेगा हमें। सो अब हम चल लेते हैं एंड वो रहा वो रहा, अब देख रहे तो मेरा निशाना देखा ए, नहीं 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 देखा। सो गाइस ये है अपना निशाना एंड इसने कुछ ड्रॉप करा है। सो गाइस मैं जो है ना मैं इसे यहीं से एरो से ही मार दूंगा यार, शिट बैठना था मैंने यार, पीछे चल मैं तेरे को पास ही नहीं आने दूंगा, पीछे हो जा पीछे, ओ शिट यार ये कूद गया, नहीं शुक्र है भाई शुक्र है मर गया, शिट यार इसे इन स्वॉर्ड से मारो 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 शो मारो, बहुत ज़्यादा बंदे हैं ये यार, नहीं मार पाऊंगा, ये मर गया मर गया यार गाइस, शुक्र है मैंने इन्हें मार दिया है। तो और हेल्थ देखूँ मेरी, तो मुझे थोड़ी सी कुछ बीफ खानी पड़ेगी। सो गाइस ये जो है ना ये बीफ मैंने अपने सारे मतलब जानवरों जानवरों को मार के, मेरी 69 चिकन्स में से सिर्फ मैंने 2 चिकन्स बनाई बचाई थी एंड फिर उनके बाद उसकी ब्रीडिंग उन दोनों की ब्रीडिंग करवा के और चिकन्स भी कर ली थी। सो गाइस मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा खाना है घर पे, मतलब एक तरह से सालों साल बैठ के खा लूँ तब भी नहीं हटेगा ये खाना, मतलब ख़त्म होगा ये खाना। तो फटाफट चल लेते हैं हम एंड ये और गोल्ड मिल रहा है नेदर पोर्टल का, अब गोल्ड का मतलब गोल्ड का एक खजाना हो गया है नेदर पोर्टल। तो गाइज़ सो गाइज़ मैं ना एक और छोटे से ब्रेक के बाद आ चुका हूँ और अपने नेदर पोर्टल के पास पहुँच चुका हूँ। तो अब मेरे सामने थोड़ा सा गोल्ड है, लेकिन छोड़ो गोल्ड वो छोड़ो गोल्ड गोल्ड, अब हम फटाफट चल लेते हैं अपने घर पे। तो गाइज मैं जो है इसके अंदर ब्रेक बहुत ले रहा हूँ बिकॉज यार ये बहुत लंबी एडिटिंग हो गई है, मतलब रिकॉर्डिंग हो गई है मेरी वीडियो की एंड ये वो जो है गेम बहुत ज़्यादा लैक भी कर रही है तो इसीलिए। एंड गाइज बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना बिकॉज इस वीडियो में जो है ना इस वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस आएगी थोड़ी सी बिकॉज बाहर जो है थोड़ा सा काम चल रहा है। एंड गाइज अब हम फटाफट चल लेते हैं अपने घर पे बिकॉज घर ही सेफ है, सिर्फ खाना खाते हुए चल लेते हैं। एंड गाइज फिर लैक होनी शुरू हो चुकी है गेम, यहाँ के अब मैं थोड़ी सी क्लियर कर सकता हूँ गेम को। तो गाइज जैसा कि आप लोग नीचे की तरफ में देख पा रहे थे कि मेरे जो है बहुत ज़्यादा फर्नेसेस हैं एंड गाइज ये जो है ना ये बेड मैंने वहाँ से लेके आया था, विलेज में गया था ये, वहाँ से सब कुछ मैंने ये पूरा जो ऊपर वाला मेरा बेडरूम है ना यहाँ पे मैंने पूरा येलो थीम ही रखा है। तो मैंने जो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट फर्नेस भी बनाए हैं एंड बहुत ज़्यादा कुछ बनाया है। तो गाइज ये जो है ना ये दोनों जो स्वॉर्ड आपको गोल्ड की दिख पा रही है ये जो है उन्होंने वो करी थी, उन्होंने ड्रॉप करी थी जो वहाँ पे नेदर पोर्टल के वो होते हैं पिगलिंग्स, जब मैं उन्हें लूटिंग 3 से मारता हूँ। तो सो गाइज ये जो है ना ये बहुत ही काम की चीज़ है, तो मैं इसे दूसरी चेस्ट में बिल्कुल संभाल के रख दूँगा। तो सबसे पहले तो जो काम की चीज़ नहीं है सबसे पहले उसे के एंड अब इसे रख देता हूँ। तो सो गाइज ये जो है ना ये 64 आयरन गोल्ड नगेट्स हैं मेरे पास, तो पता नहीं इसके इंगेट कितने बनेंगे, वैसे तो थोड़े से ही बनेंगे इंगेट बिकॉज यार नगेट 9 नगेट से 1 इंगेट बनता है।
तो गाइस अब मैं जो है फटाफट ना जो मेरे चीज़ काम की नहीं है ना वो फटाफट चेस्ट में रख देता हूँ, रख भी दी है। तो अब जो है ना मैं फटाफट ये ग्लो स्टोन डस्ट से ग्लो स्टोन बना लेता हूँ एंड थोड़े से वो भी बना लेता हूँ अपना क्वार्ट्स के ब्लॉक। तो अब ग्लो स्टोन डस्ट से ग्लो स्टोन भी बना लिया जाए। सो गाइस ये जो है ना बहुत ज़्यादा ग्लो स्टोन बन जाएगा एंड मतलब मुझे तो लगता है कि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि मैं बना भी मतलब आगे कर भी पाऊँगा कि नहीं रिकॉर्डिंग, बिकॉज यार इतनी गेम लैग हो रही है, दिमाग ख़राब हो गया खेलते खेलते। एंड फ्लिंट एंड स्टील ले लिया है मैंने। सो गाइस अब मैं जो मेरा काम ख़त्म हो चुका है, सिर्फ मैंने आयरन के ब्लॉक लेने थे वो भी ले चुके हैं मैं। एंड गाइस मेरे जो है ना येलो कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स वो मेरे वहाँ नेदर पोर्टल की 7 वाली चेस्ट में पड़े हैं, बिकॉज वहाँ पर जो है ना वहाँ पर मतलब एक बार मैं नेदर पोर्टल में जा रहा था तब मैंने वहाँ रख दिए थे। तो फिर अब मैं 2 मिनट, तो अब हम चलते हैं वहाँ पर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना यार मैं जगह डिसाइड करता हूँ कहाँ बनाऊँ। सो गाइस कोई मस्त जगह मिल नहीं रही, इधर ही बनाऊंगा। कहाँ बनाऊँ, इधर बीच में बना लूँ क्या? पर इधर यार सीधा फार्म है ना, कौन देखेगा हमें? किधर बनाऊँ? सो गाइस ये जो है बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं देख रहा हूँ कहाँ बनाना है। सो ये सबसे पहले तो ना मैं इसमें से येलो कॉन्क्रीट निकाल लेता हूँ, बाद में देखी जाएगी। तो बस इतने बहुत हैं, तो इनफ है इतने तो बहुत ज़्यादा हैं ये। पर मैं जो है ना मैं इधर बनाने वाला हूँ, डन है। तो मैं ना इधर एक छोटा सा पहले बेस टाइप से तैयार करने वाला हूँ, अरे यार पिकैक्स लेके आनी थी। सो गाइस मैं ना मिलता हूँ आपको बेस। सो गाइस मेरा जो है ना छोटा सा बेस मतलब कि तैयार हो चुका है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। नहीं पहले तो यार मैं यहाँ से पिकैक्स लेने आया हूँ, तो पिकैक्स ले लेता हूँ, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये ले लेते हैं टूटी फूटी से आयरन की पिकैक्स, यार ख़त्म भी तो करनी है। सो गाइस ये पता नहीं क्यों लैग कर रही है इतनी गेम, आई थिंक कि मुझे जो है इसकी मेमोरी फ़ोन की थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी। सो गाइस ये जो है ना ये थोड़ा सा मतलब कि ये है मेरा बेस, तो फिर मुझे दो दो ब्लॉक्स तोड़ने हैं। एक दो नहीं नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं 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 यहाँ नहीं ए इसके एक बाद यहाँ। सो गाइस यहाँ जो है मैंने बना दिया है एंड इसके बाद जो है ना मैं दो दो ब्लॉक्स और छोड़ने वाला हूँ इधर को, तो इधर एक और लगा देते हैं। एंड ये देखो ऐसे करके बन जाएगा। एंड इधर को एक एक आई थिंक इधर को एक एक ब्लॉक और छोड़ने चाहिए। तो ये नेदर पोर्टल को भी यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं और, वो तो मैं कर लूँगा ऑफलाइन जाके आई थिंक। सो के करना ही होगा इस मैं करूँगा। तो एक और मतलब कि एक और करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, वो मैं भी नेदर पोर्टल के अंदर जाने वाला था, छोड़ो उसे। सो गाइस बहुत ज़्यादा लैग कर रही है सच्ची में गेम। एंड गाइस मेरा जो है ना मतलब कि यहाँ पे ना मैं दो दो ब्लॉक छोड़ने वाला हूँ एंड चूँकि छोड़ भी दिए हैं मैंने, तो इधर से इधर को एंड इधर से भी एक इधर को मोड़ देता हूँ। मुड़ जा मुड़ गया। तो अभी से इन दोनों को तोड़ देता हूँ, बिकॉज अब मुझे पता है कि मैंने किधर से बनाना है। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डायमंड से ना मतलब एक जगह तो छोड़ूंगा ही मैं। तो यार मैं कैसे बनाऊँ, मतलब मुझे कुछ पता नहीं लग रहा कि मैं कैसे बनाऊँ। ये स्ट्रक्चर ठीक है क्या? आयरन से फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीछे की बैक बनाता हूँ
एंड अब जो है ना फिर दोबारा से मुझे वो बनाने पड़ेंगे स्टेयर्स, और अब मेरे पास इनफ मटेरियल नहीं है, मतलब हद है यार। सो गाइज मैं जो है ना बिर्च की स्टेयर्स ही लगा देता हूँ इतनी देर, बाद में देखी जाएगी, बाद में मतलब जब भी मुझे बैठना होगा ना तभी मैं लगा लूँगा वाली स्टेयर्स। सो गाइज ये जो है ना ये मैं रैंडमली बना रहा हूँ, तो बाद में मैं इसे ठीक कर दूँगा जब मुझे टाइम मिलेगा, मतलब टाइम तो वैसे मेरे पास बहुत है लेकिन मैं इसे ठीक कर दूँगा बस। सो गाइज मैंने पहले इसके ना यूट्यूब पे दो तीन ट्यूटोरियल देखूँगा, देन मैं मतलब इसे ठीक कर पाऊँगा थोड़ा सा। तो पहले तो मैं बना लेता हूँ, थोड़ी सी बन चुकी हैं 8 स्टेयर्स, वही बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं, सिर्फ हमारे तो 2 ही लगनी है। तो यह गाइज इसे ऐसे कवर कर दूँ क्या? ना गाइज बहुत बेकार लग रहा है, इसे तोड़ना पड़ेगा एंड देन इसे भी तोड़ना पड़ेगा एंड चलो अब ओके लग रहा है ये। तो अब जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, जैसे कि यहाँ पे भी 2 ब्लॉक्स तोड़ने हैं, कंक्रीट ले ही लेते हैं चलो। सो गाइस ये जो है ना ये वैसे बहुत ही बढ़िया ब्लॉक्स हैं कंक्रीट वाले, तो अब जो है ना मुझे यहाँ से 4 ब्लॉक्स तोड़ने हैं पीछे के लिए, जहाँ पर भी डायमंड लगा हुआ है ना वहाँ पर मैंने मुझे 4 ब्लॉक्स तोड़ने हैं। तो बस हो गया है। तो अब ना मुझे यहाँ से कवर करना होगा इसे, फर्स्ट ऑफ ऑल और क्लियर कर लेते हैं इसे। एंड गाइज ये जो है ना ये वीडियो आई थिंक सो कि 19 या 20 मिनट की बनेगी, 20 या 24 मिनट तक की बन जाएगी ये वीडियो आसानी से। तो गाइज ये जो है ना हमने पीछे लगा दिया, अब हम यहाँ पर लगाएंगे थोड़ी सी सोल सोयल ये फ्लिंटन स्टील, और सोल सोयल एंड फ्लिंटन स्टील चाहिए मुझे, नेदर रैक भी ले लिए मैंने। सो गाइज अब ये जो है इसे तोड़ लेते हैं हम। सो अब हम इसे जला देते हैं, अब जादू देखना। सो गाइज ये देखो इस पर जो है ये वाली आग लग रही है, जो सी भी है, ब्लू है या जो भी है, मतलब लग रही है तो लग रही है। तो अब इस साइड दोनों साइड नेदर रैक लगा देते हैं एंड इन भी दोनों साइड नेदर रैक लगा देते हैं। सो अब अपना स्टोन तकड़ा बिल्कुल भी नहीं लग रहा भाई, मैंने डायमंड का स्टोन मतलब डायमंड का थ्रोन बनाया है और ये बिल्कुल भी तकड़ा नहीं लग रहा, बहुत बेकार लग रहा है यार डायमंड का थ्रोन। ये वाली जली नहीं या लैक, अच्छा जली नहीं थी। सो मुझे लगा गाइस इसकी लैक हो रही है मेरी गेम इसीलिए नहीं चली, वैसे वो जला ही नहीं था। सो गाइस अब जो है अपना थ्रोन कंप्लीट फाइनली हो चुका है, बस अब यहाँ पर जो है ना थोड़े से कॉन्क्रीट ब्लॉक्स लगाने हैं हमें एंड यहाँ पर थोड़े से सोल सोयल। और सो गाइस ये होती है जल्दबाजी, लेकिन फिर भी हम मर जाएंगे नहीं, मुझे पता है। सो गाइस अब जो है ना हम अभी यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। सो पहले तो मैं ना इसे ऊपर से ना ब्लॉक ऑफ डायमंड से कवर कर रहा होता हूँ यार, फिर आग में से जाना पड़ेगा, फटाफट चलो लगी नहीं आग। अच्छा सो गाइस मेरी जो है ना मेरी लैक हो रही थी गेम, इसलिए जो है मेरे को आग टाइम पर नहीं लगी। इसे यहाँ लगा देता हूँ एंड देन यार बढ़िया सा डिज़ाइन आ नहीं रहा दिमाग में, मुझे चाहिए डायमंड की। मेरी हेल्थ तो देखो गाइस मेरी बहुत ही ज़्यादा कम हेल्थ रह चुकी है एंड मेरी रात भी होने वाली है, बस मैं इसे फटाफट ना कंप्लीट करके जा रहा हूँ, बिकॉज़ अगर यार कुछ भी यहाँ पे गिरा ना, मतलब किसी ने भी मुझे एक भी थप्पड़ थप्पड़ मारा तभी मेरा कार्यक्रम होना ज़रूरी है, मतलब वो हो सकता है मेरा कार्यक्रम। तो गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर कर रहा हूँ एंड गाइस अब बैकग्राउंड नॉइज़ जा चुकी है, तो इसलिए अब हम कर लेते हैं अपना काम। तो यहाँ पर जो है अब हम पिलर लगाने वाले हैं क्वार्ट्ज के, तो पिलर ही लगाएंगे बिकॉज यार दूसरी ब्रिक्स तो कम ही है ना। सो गाइस ये जो है ना ये अपना थ्रोन कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, अभी दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुको पहले घर जाता हूँ ना फटाफट, आधी हेल्थ रह गई, हेल्थ तो देखो घर जाके पहले थोड़ा सा कुक्ड बीफ खाते हैं, अपनी हेल्थ बढ़ाते हैं एंड देन अगर टाइम मिला फिर जाएंगे। सो पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरी वीडियो जो है कितने मिनट की हो चुकी है।
सो गाइज ये जो है 19 मिनट की मेरी वीडियो हो चुकी है, तो बस इतनी थी। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने वो थ्रोन नहीं दिखाया, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भर रहा देख मेरा पूल, तो मैं हो गया प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल।